नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं बीएल गुजर, आपका नया बजट राजस्थान गवर्नमेंट का जो पढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं, पटवारी और पुलिस नई भर्तियों को मद्देनजर रखते हुए भर्तियों के जो पिटारा जो गवर्नमेंट ने खोला है उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। और जो परिवर्तित बजट वर्ष 2019-20 का है या आम बजट राजस्थान गवर्नमेंट 19-20 का ही है, इसमें थोड़ा सा जो मुख्य आंकड़ा है हमारी दो लाइन जो मुख्य है वो साइड बजट में अहम रोल रखेगी। उसके बाद बजट की यदि 25-30 जितने भी 40 बातें हम बताएं, 40 एक लाइनें जो लिखाएंगे, उनमें से 5-7 बातें इंपॉर्टेंट हैं और उनका आपको थोड़ा सा याद भी रखना है लर्न पावर के साथ में। और दूसरी बात ये भी है कि जो कुल व्यय जो अनुमानित जो बजट है हाल ही का वो 2,32,944 जो करोड़ है, यानी 1,00,000 के आसपास जो बजट है, और उसकी अनुमानित जो कुल व्यय था और कुल राजस्व जो व्यय है वो 1,91,19,61,00,000 जो व्यय है, और राजस्व जो प्राप्ति है 1,64,004 करोड़, और राजस्व जो घाटा है 27,14,97,00,000 जो अनुमानित जो घाटा है। इसकी जो मेन बिंदु हमारी यही है। बजट के बारे में थोड़ी सी भर्तियों के बारे में हम बात कर लेंगे, और जो 75,000 भर्तियों की जो घोषणा की है गहलोत सरकार ने उसके बारे में आगे हम विस्तृत बातें करेंगे। जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो उसकी डिटेल के साथ में हम चर्चा भी करेंगे, वैकेंसी की फुल हम डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा उससे पहले कि राजस्थान का जो बजट है उसके बारे में अपन बात करेंगे, तो पहली बात तो ये हमारी है कि अशोक गहलोत का वर्तमान में तीसरा जो कार्यकाल है, और जो बजट जो ये है ये बजट ये प्रस्तुत जो करता है, इसे प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री जी ने, किसने प्रस्तुत किया, मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री है गहलोत, मुख्यमंत्री गहलोत जी ने इसको प्रस्तुत किया है। और किसके समक्ष प्रस्तुत किया, तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, वो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया था। और ये मुख्यमंत्री श्रीमान गहलोत जी का जो छठवां पूर्ण बजट है, पूर्ण बजट है, और ये तीसरा इनका कार्यकाल है, तीसरे कार्यकाल में इनका छठा जो पूर्ण बजट है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अब बजट के बारे में जो घोषणाएं होती हैं वो आप सब जानते हैं, या तो कृषि के प्रति हैं, यानी इसमें किसान, दूसरी बात है जैसे रक्षा विभाग मान लीजिए, और चिकित्सा विभाग मान लीजिए, और तीसरा हमारा जो बचता है वो शिक्षा, और राज्य के उद्योग, इनमें गवर्नमेंट घोषणाएं करेगी। और नया जो निर्माण की जो विषय वस्तु है उनकी अपन बात और करेंगे। तो ये हमारा था, प्रस्तुत किया है मुख्यमंत्री गहलोत जी ने और विधानसभा अध्यक्ष पिजोशी के समक्ष इसको पेश किया है। छठवां इसका पूर्ण बजट है, तीसरा इनका कार्यकाल है गहलोत जी का। और कृषि यानी किसान, रक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, इनके लिए जो योगदान के लिए नया जो नीतियाँ क्या हैं गवर्नमेंट की, आवंटन योजना घोषणाएँ क्या हैं, बजट में घोषणाएँ होती हैं और वर्ष तक इनका पर्यंत इनका कार्य चलता रहता है, तो उनकी अपन बात करेंगे। एक नंबर हम जो बिंदु लेंगे वो पहला बिंदु है कृषि व किसानों के लिए, कृषि व किसानों के लिए। तो इसमें देखो कृषि और किसानों के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने। पहली बात तो ये है कि इसने किसान प्रकोष्ठ की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है, किसान प्रकोष्ठ की स्थापना की है। किसान प्रकोष्ठ के तहत स्थापना करने की घोषणा की है गवर्नमेंट ने, अभी जितने भी हुई है वो सब घोषणाएं हुई हैं, घोषणा की है। और किसानों के कल्याण के लिए 1,000 किसान कल्याण के लिए 1,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, इसकी घोषणा की गई है। दूसरी बात इसमें बजट के बारे में कहें तो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है, बूंद बूंद सिंचाई जो परियोजना है, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना के लिए नई नीति बनाई जाएगी और इसके लिए बजट रखा गया है बूंद बूंद सिंचाई परियोजना के लिए। उसके बाद किसानों के लिए नई निर्यात नीति की घोषणा की गई है,
नई निर्यात नीति बनाई जाएगी। तो किसान प्रकोष्ठ की घोषणा, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना के लिए नई निर्यात नीति की घोषणा, और किसानों को जो आवारा जो पशु हैं, आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए नंदी गौशाला, नंदी गौशाला, नंदी गौशाला बनाए जाएंगे और ये प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक नंदी ग्राम गौशाला बनेगा। और इससे होगा क्या कि जो आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए इसका प्रकोष्ठ किया जाएगा। उसके बाद है कृषि ज्ञान द्वारा, जो किसान डीडी चैनल की तरह ही इसका गठन किया गया है, कृषि ज्ञान द्वारा ये एक गवर्नमेंट कार्यक्रम चलाएगी और इस कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ बजट आवंटन किया गया है। कृषि ज्ञान धारा के लिए 2 करोड़ बजट का आवंटन किया गया है और ये कार्यक्रम गवर्नमेंट प्रारंभ करेगी, जिसको किसानों की जो होने वाली जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद जो 5 नंबर जो हमारा बिंदु है वो है कृषि कनेक्शन के लिए, कृषि कनेक्शन के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान है बजट में, घोषणा की गई है 5,000 करोड़ की कृषि कनेक्शन के लिए। और जल संसाधन के लिए, जल ही तो जीवन है, जल संसाधन के लिए 4,657 करोड़ रुपए आवंटन की घोषणा हुई है बजट में। तो ये किसानों के लिए 5 बड़ी योजनाएं थी, जिनमें से किसान प्रकोष्ठ घोषणा, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, कृषि कनेक्शन 5,000 करोड़ रुपए घोषणा, जल संसाधन जिसमें 4,657 करोड़ रुपए की घोषणा, नंदी गौशाला प्रत्येक ग्राम पंचायत पर आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए, कृषि ज्ञान द्वारा जिसके 2 करोड़ का बजट में घोषणा की गई है। उसके बाद आगे देखिए, बजट जो राजस्थान गवर्नमेंट का है वो गहलोत ने कहा है कि ये जनता का बजट है और जनता से राय लेकर इसको बनाया गया है। उसके बाद है जो 7 नंबर जो बिंदु है वो है स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर का प्रयोग किया जाएगा, स्मार्ट मीटर दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये और भी है कि जो पानी है जो पाकिस्तान जाता है उसको रोकने की योजनाएं बनाई जाएगी, रोकने की योजना बनाई जाएगी। और उसके बाद है कि किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, किसानों को जो ऋण मिलेगा, किसानों को जो ऋण मिल रहा है वो ब्याज मुक्त मिलेगा, ये घोषणा है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है सारे बजट की, 9 नंबर है, वो ये है कि कुंभाराम लिफ्ट सिंचाई का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। जो इंदिरा गांधी की जो सहायक नहर है कुंभाराम, जो लिफ्ट नहर है इंदिरा गांधी की, जो इसका जो सिंचाई का जो दायरा है इसको बढ़ाया जाएगा, इसका विकास होगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बात 10वीं भी है कि जो चंबल अलवर जो सिंचाई सॉरी परियोजना है, चंबल अलवर जो परियोजना है इसका पूर्ण जो विकास होगा, इसका पूर्ण विकास किया जाएगा और इसके लिए 2,918 करोड़ का प्रावधान किया गया, बजट में घोषणा की गई है। उसके बाद जो बजट की जो अगली हमारी जो श्रृंखला जो चल रही है उसमें चंबल अलवर जो परियोजना है, उसके बाद उद्योगों के लिए है, ये कृषि का जो घोषणाएं थी वो समाप्त हो चुकी हैं। उसके बाद आगे जो बात करेंगे हम, बिंदु नंबर 2 किसान और कृषि के संबंध में हमने पढ़ाया है, उसके बाद है उद्योग बिजली ऊर्जा के लिए प्रमुख घोषणाएं, 2 नंबर है उद्योग बिजली व ऊर्जा के लिए प्रमुख घोषणाएं, बजट का नाम ही घोषणाएं है। तो देखो उद्योग विभाग के लिए 30,000 करोड़ का प्रावधान है,
रखा गया बजट में। उद्योग विभाग के लिए 30,000 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है। नई सौर और पवन नीति की घोषणा की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नई सौर वो पवन नीति 2019 बनेगी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे नई कोई भी खनन नीति हो, जल नीति हो, पवन नीति हो, सौर नीति हो, ये सारी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ। दूसरी बात है, सारे बजट में एक लाइन हम पहले इंपॉर्टेंट पढ़ा चुके हैं और उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ जो लाइन आती है वो ये है कि जो दो धार्मिक स्थल हैं, दो धार्मिक स्थल हैं और उन दोनों का नाम है, एक तो है नाथ द्वारा और दूसरा है पुष्कर। नाथ द्वारा और पुष्कर दोनों में ही जो विद्युत जो लाइन है, जो विद्युतीकरण किया जाएगा, वो विद्युतीकरण भूमिगत किया जाएगा, भूमिगत विद्युत लाइन बनाई जाएगी, भूमि के भीतर ही विद्युत लाइन का प्रसारण किया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इन दो धार्मिक स्थलों का भूमिगत पुष्कर, ये विद्युत लाइन भूमिगत करने का जो प्रावधान रखा गया है वो नाथ द्वारा और पुष्कर है। उसके बाद PHED के लिए 8,445 करोड़ का जो प्रावधान रखा गया है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी एक परियोजना है उसके बाद कुसुम योजना। कुसुम योजना है, इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप देगी गवर्नमेंट। और उसके बाद नई पर्यावरण और जल नीति बनाई जाएगी। और पर्यावरण जल पहली बार ये बजट में घोषणा हुई है कि पर्यावरण वह जलवायु निदेशालय, जलवायु निदेशालय की स्थापना, पर्यावरण व जल निदेशालय की, जलवायु निदेशालय की स्थापना की जाएगी। और जो पंचभद्रा जो रिफाइनरी है, पंचभद्रा जो रिफाइनरी है इसको 2020 तक पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। और मुख्यमंत्री कन्यादान जो अगली योजनाएं चलती हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद है पहली योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। देखो इसके लिए मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना है इसके लिए ये प्रावधान है कि उसको राशि कितनी मिलेगी, तो उसको राशि मिलेगी 21,000 रुपए। और इसके लिए योग्यता कौन सी क्या जरूरी है, तो उसके लिए 8वीं पास जरूरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार जो योजना है, 2 नंबर जो योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार जो योजना है इसके तहत ये प्रावधान है कि जो 1,00,000 जो युवा हैं, 1,00,000 युवाओं को 7,00,000 तक का ऋण दिया जाएगा। और अगले जो 5 साल होगी उस 5 वर्ष में 25,000 युवाओं को और जोड़ा जाएगा, 25,000 युवाओं को और जोड़ा जाएगा, ऐसे करके ये जो इसकी योजना थी। उसके बाद है यूथ मोटिवेशनल जो घोषणा है, युवाओं को मोटिवेट कर उनको अच्छे मार्गदर्शन प्रदान किए जाए, ये भी बजट में प्रावधान किया गया है। उसके बाद है एक उद्यमी एक खेल योजना, ये भी शुरू किया गहलोत ने। और उसके बाद है राजस्थान जन आधार योजना, ये थोड़ी सी वर्चस्व में रहेगी। राजस्थान जन आधार योजना, इसमें देखो खास बात यही है कि एक राज्य, इसके तहत ये कार्ड की विशेषता होगी कि एक तो राज्य होगा और उस व्यक्ति की एक ही नाम होगा, एक नाम और एक पहचान।
एक राज्य एक नाम एक पहचान ये योजना है और इसमें जो एकलन रखने के लिए बनाई गई है। जयपुर में राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की गई है जिससे कैरियर काउंसिल की स्थापना की गई है जिसके लिए 10 करोड़ की लागत का जो प्रावधान है 10 करोड़ बजट की जो घोषणा की गई है। उसके बाद चिकित्सा स्वास्थ्य और शिक्षा जो परिवहन है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा अपन जो बात कर लेते हैं वो अलग से बात करेंगे अपन चिकित्सा के लिए। चौथा जो हमारा बिंदु है वो है चिकित्सा में देखो पहली बात हमारी है कि यहां हमारे निशुल्क चिकित्सालय का प्रावधान है। निशुल्क 10 रुपए के बाद निशुल्क जो दवा है देने का ये जो दायरा 104 प्रकार की दवाइयां फ्री मिलती हैं राजकीय चिकित्सालय में। राजकीय चिकित्सालय में 104 प्रकार की दवाइयां फ्री मिलती हैं। उसके बाद है कि जो निशुल्क जो जांच होती है और निःशुल्क जांच का जो दायरा है वो पहले 70 प्रकार की जांचें फ्री होती थी, आजकल उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 90 बढ़ाकर इनका दायरा कर दिया जांच का, 90 प्रकार की जांच आजकल फ्री होगी। उसके बाद आएंगी 200 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे। स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे खोले जाएंगे। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट बात है राजस्थान की कि जो कुचामन में राजकीय चिकित्सालय हैं नागौर जिले के कुचामन के राजकीय चिकित्सालय में पहली बार ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी। ब्लड बैंक गठन किया जाएगा इनमें, इससे वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि लीनियर एक्सीलेंटर जो खोला जा रहा है वो जोधपुर में खोला जा रहा है। चिकित्सालय की बात करें लीनियर एक्सीलेटर ये जो खोला जा रहा है ये कैंसर के उपचार के लिए है। कैंसर उपचार की अग्रिम विधि है और ये जो खोला जा रहा है लीनियर ये खोला जा रहा है जोधपुर में। चिकित्सालय की बात करें तो दूसरा ये भी है कि गंगानगर और जो हनुमानगढ़ है दो जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वहां जो मेडिकल जो कॉलेज था वो बंद हो चुका था तो वहां के मेडिकल कॉलेज को पुनः शुरू किया जाएगा, इसको पुनः शुरू किया जाएगा। उसके बाद है चिकित्सालय विभाग में, तो चिकित्सालय विभाग की है कि चिकित्सालय विभाग में ही 2019 की जो भर्तियों के बारे में है उनके बारे में अपन और बात करेंगे। तो निःशुल्क 104 प्रकार की दवाएं मिलती हैं, जो निःशुल्क जांच का दायरा 70 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है, 200 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे और उसके बाद जो मैंने बताया है कि कुचामन है जो राजकीय चिकित्सालय उसमें ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। गंगानगर हनुमानगढ़ में नई मेडिकल कॉलेज जो था उसको पुनः शुरू किया जाएगा और लीनियर एक्सीलेटर जो कैंसर उपचार के लिए जो प्रसिद्ध है वो जोधपुर में खोला गया है। उसके बाद अपनी थोड़ी सी बात और है जो चिकित्सा से हो चुकी है, हम शिक्षा से करेंगे। हम शिक्षा विभाग अब बचाए शिक्षा विभाग 21,600 की नई भर्तियां की जाएगी शिक्षा विभाग में और 2019 की नई शिक्षा नीति प्रारंभ की जाएगी। पहली बात तो ये है कि 2019 की नई शिक्षा नीति बनाई जाएगी, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात हमारी ये है कि शिक्षा विभाग के साथ ही बात करें तो एक छोटा सा शिक्षा विभाग का एक छोटे बच्चों का एक प्रारूप चलता है 5 ईयर से छोटे बच्चों का जिसको आंगनबाड़ी केंद्र कहते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र। और आंगनबाड़ी केंद्र के वेतन की बात करेंगे हम और वेतन की एक छोटी सी सारणी है जिनसे क्वेश्चन कई बार आता भी है। पहली बात तो है इनमें जो कार्यकर्ता महिला होती है उसका जो पहले वेतन था वो 6,000 था और इसको हाल ही में बढ़ाकर 7,500 कर दिया गया है। दूसरी बात है जो मिनी जो छोटी आंगनवाड़ी होती है मिनी आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता होती है उस मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो वेतन था वो पहले जो 4,500 रुपये जो मिलता था अब उसको बढ़ाकर 5,750 रुपये कर दिया गया है। और उसके बाद जो सहायिका जो होती है
सहायिका होती हैं, इसका वेतन 3500 रुपये था और इसका बढ़ाकर 4250 रुपये कर दिया गए हैं। तो ये नया आंगनवाड़ी का जो वेतन है ये आपको ध्यान में रखना ही है। उसके बाद है कि शिक्षा विभाग में जो बात करें तो 21,600 की मैं बता रहा था कि नई जो भर्ती की जो घोषणा करेगी गवर्नमेंट और किस आधार पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड कोई LDC की जब भी भर्तियाँ शिक्षा विभाग में निकालेगी, 8 महाविद्यालय को पुनः शुरू करेगी गवर्नमेंट। अब उनके नाम नहीं बताए, 8 महाविद्यालय को पुनः शुरू करेगी, कौन किसको शुरू करेगी अभी कोई पता नहीं है। उसके बाद है कि जोधपुर में वेरी इंपॉर्टेंट बात है, शिक्षा की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि पशु मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना की जाएगी इस बजट के तहत, वो जोधपुर में की जाएगी। पशु मेडिकल कॉलेज की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। और उसके बाद जो थोड़ा सा शिक्षा का प्रारूप है वो और बता देते हैं। वो ये है, देखो एक तो होता है प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद होता है उच्च प्राथमिक विद्यालय और उसके बाद होता है माध्यमिक, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय। ये जो 12वीं तक चलता है 1-12 तक, और ये 1-8 तक चलता है, और ये 1-5 तक ये कक्षाएं हैं, इसी के आधार पर विद्यालय का बंटवारा है। तो इसमें प्राथमिक जो विद्यालय हैं वो नए विद्यालय कितने खोले जाएंगे, तो 50 विद्यालय नए खोले जाएंगे। और उसके बाद में कितने प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय बना दिए जाएंगे, तो 60 जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको उच्च प्राथमिक विद्यालय बना दिए जाएंगे, और 100 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनको माध्यमिक विद्यालय बना दिया जाएगा। समय के अभाव के आधार पर जोधपुर में एलिवेटेड सड़क जो बनाई जाएगी उसके बारे में है। और मुख्य वजीरों के लिए थोड़ी सी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये 2-4 बातें जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार कर लेते हैं अपन। मुख्य वजीरों के लिए जो मुख्य वजीर बच्चे होते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए जो जामडली जो उदयपुर है, जामरौली जयपुर है वहाँ प्रशिक्षण विद्यालय जो खोला जाएगा, इनका प्रशिक्षण केंद्र जो खोला जाएगा, शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा यहाँ। और प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर मेडिकल भवन बनाए जाएंगे। सरकारी जो अस्पताल है उनमें सिटी स्कैन पहली बार जहाँ चिकित्सा में हम भूल चुके हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो सिटी स्कैन होती है संपूर्ण शरीर की जो जाँच होती है, सिटी स्कैन जो जाँच होती है वो अब राजकीय विद्यालय में फ्री में होगी। उसके बाद है 1000 नए अस्पतालों की स्थापना की जाएगी, 390 गांवों को पानी पहुंचाने की जो योजना है उसका प्रावधान किया गया है। जयपुर मेट्रो का जो बी चरण है उसको पूर्ण करने की वर्ष के अंत तक उसकी घोषणा की गई, जिसके लिए 130 करोड़ बजट का आवंटन है। उसके बाद है कि 1000 नए पशु चिकित्सालयों की स्थापना की जाएगी, और वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो अजमेर में जो चिकित्सालय पहले से जो चलता था उसको सैन्य चिकित्सालय बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सहकारी बैंकों को और मजबूत बनाने के लिए 150 करोड़ का अनुदान राशि रखी गई है। शहीदों के जो परिवार उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, और 25 बीघा जमीन जो फ्री रजिस्ट्री उसकी होगी। उसके बाद है कि प्रत्येक पुलिस थाना उसमें एक स्वागत कक्ष बनेगा, ये बजट का प्रावधान है। आशा सहयोगिनी का जो वेतन मैंने बताया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बताया, हाई लेवल जो ब्रिज है ये भीलवाड़ा के कोठारी नदी पर जो बनाया जाएगा, और वहाँ के जन लोगों का सहयोग के आधार पर ये बनाया जाएगा। और जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है वहाँ ये ब्रिज की घोषणा की गई है। उसके बाद थोड़ी सी बात है जो भर्तियों के बारे में, आगे जो वैकेंसी आएगी अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। और एक ही मिनट है कि 21,600 शिक्षा विभाग में, 15,000 स्वास्थ्य विभाग में, 9,000 ऊर्जा विभाग में, 5,160 ग्रामीण विकास पंचायती राज में, 4,646 राजस्व विभाग में, 4,000 गृह विभाग में, 4,000 कृषि विभाग में, और WRDO में 2,000, 1,500 जो वैकेंसी है वो कौशल और रोजगार में, 1,474 है वो वन विभाग में, और 1,400 PhD में, और 1,341 है वो PWD में, 300 महिला और बाल विकास में, और 750 IT में। ऐसे जो भर्तियों का जो है पिटारा वो हम बता देंगे, आगे जो वैकेंसी होगी उसका अपन विस्तृत वर्णन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।